तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि ठीक ही होंगे। फिर से आज आप लोग हैं इजी केमिस्ट्री एसटीएम के यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग ने जो बैच आप स्टार्ट किए थे क्रैश कोर्स, जिसका नाम था केमिस्ट्री क्रैश कोर्स 1.0। इस क्रैश कोर्स के अंदर हम लोग सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कंप्लीट कर चुके हैं। सॉलिड स्टेट देखें, उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सॉल्यूशन देखें, उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। फिर से हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पूरे ऑब्जेक्टिव अच्छे तरह से कल तक कर चुके थे। तो आज बारी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के वीवीआई क्वेश्चंस के बारे में कि सर कौन ऐसा 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से जो बोर्ड एग्जाम में आने का पूरा उसका चांस है। तो आपको हम ये बता दें कि इस चैप्टर के अंदर आपको 8 से 10 2 मार्क्स करना है। 8 से 10 2 मार्क्स वाला का अगर तैयारी आप कर लेते हैं सब्जेक्टिव का, तो आपका कहना है इलेक्ट्रो से अगर क्वेश्चन आएगा तो आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अब 5 मार्क्स के बारे में क्या होगा, तो 5 मार्क्स हम लोग कहना 20 जनवरी से स्टार्ट करेंगे पढ़ना। 4 से 5 दिन में उसका हम 5 मार्क्स पढ़ के खत्म कर लेंगे। 20 जनवरी तक आपका कहना ऑब्जेक्टिव और 2 मार्क्स का कोर्स खत्म होगा। 20 से 25 जनवरी तक हम लोग कहना 5 मार्क्स वाला पढ़ना शुरू करेंगे। तो आप कहना इसी तरह से इजी केमिस्ट्री एसटीएम के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए और अपना तैयारी और बेहतर कीजिए। आपको कहना हम हर एक टॉपिक का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रोवाइड करने के बाद 5 मार्क्स भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो इस वीडियो में हम लोग कहना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे कि आखिर इस चैप्टर से कौन कौन ऐसा सब्जेक्टिव है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन, लेकिन कौन ऐसा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से जो कहना 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जहां से कहना बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन है। तो बस आपको 5 से 6 ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बताएंगे, मैक्सिमम 8 हो सकता है, उससे बाहर क्वेश्चन आने का कोई चांस नहीं है। अब ये कहना रह गई बात कि सब्जेक्टिव का आंसर हम कैसे करें। तो आपको हम आंसर इसलिए नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप अलग अलग जगह से कहना ऑफलाइन कोचिंग लिए होइएगा, तो वहां का नोट्स आपके पास होगा, उसमें आप टिक कर लीजिएगा, उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। हाँ, अगर आपके पास सब्जेक्टिव का आंसर अवेलेबल नहीं है तो आप कहना इजी केमिस्ट्री सीतामढ़ी का टेलीग्राम जाके ज्वाइन कीजिए, वहां पे कहना आप बोली मैसेज कीजिए, आपको मिल जाएगा। नहीं तो कहना आप जो वीडियो है उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम पीडीएफ का लिंक अपलोड कर देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आइए बात करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में, जहां से कहना क्वेश्चन आने का पूरा चांस है। तो अगर हम बात करते हैं कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस एक ऐसा टॉपिक है जहां से 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है डिफाइंड कंडक्टेंस। अब कहना इस कंडक्टेंस का आप आंसर कैसे दीजिएगा ताकि कहना आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स मिले उस सब्जेक्टिव के अंदर। तो सबसे पहले आप इसका लिखिएगा डेफिनेशन। लिखने के बाद कहना कंडक्टेंस का अगर आप डेफिनेशन लिख लेते हैं तो डेफिनेशन लिखने के बाद उसका नीचे फॉर्मूला लिखिएगा। फॉर्मूला लिखने के बाद जस्ट उसके आप नीचे उसका यूनिट ड्राइव कर दीजिएगा। यूनिट पहले डेफिनेशन कि कंडक्टेंस होता है क्या, ठीक ना। उसके बाद कंडक्टेंस नीचे उसका फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला नीचे उसका यूनिट ड्राइव करेंगे, तो कहना आपको 2 में 2 मार्क्स मिलेगा। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो कहना सीधे इस डेफिनेशन को लिखेंगे, इस डेफिनेशन को और स्किप करके आगे निकल जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कहना बनाना शुरू करेंगे, तो कहना वहां पे आपको पूरा 2 में 2 मार्क्स मिलेगा नहीं, आपका नंबर कहना काट लिया जाएगा। तो उसके बाद कहना फिर फॉर्मूला आप उसका यूनिट आपको ड्राइव करना है। सेम आपको यहाँ पे लिखा हुआ है मोलर कंडक्टेंस, तो मोलर कंडक्टेंस का भी पहला स्टेप आपका होना चाहिए डेफिनेशन, आप पहला लिख लीजिए डेफिनेशन लिख लीजिए, ठीक ना। दूसरा स्टेप इसके लिए आप क्या करना फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला लिखने के बाद इसका यूनिट ड्राइव कीजिए, इसके लिए आखिर यूनिट क्या क्या हो सकता है, यूनिट मतलब की इकाई। अब क्या ना यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग एक मिनट अफेक्टिंग कंडक्टेंस कि कौन कौन ऐसा फैक्टर है जो क्या ना कंडक्टेंस को अफेक्ट करेगा,
ठीक ना। तो अगर आप इस पैटर्न से आंसर लिखते हैं, पहले डेफिनेशन, फिर उसका फॉर्मूला, फिर उसका यूनिट, फिर कौन कौन ऐसा फैक्टर है जो कंडक्टेंस को अफेक्ट कर रहा है, तो आपको क्या ना अच्छा मार्क्स मिलेगा। अभी ये देखिए आंसर, मोलर कंडक्टेंस का क्या ना डेफिनेशन लिख दिए और उसके बाद उसका फॉर्मूला लिख दिए, बाकी नीचे का दो टॉपिक। हाँ, यहाँ पे आप फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस का बात करते हैं तो ये आप नहीं भी लिखिएगा तो चल जाएगा, लेकिन लिखिएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे क्या ना इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, तो वो भी क्या ना सेम आपको लिखना है, पहले डेफिनेशन, डेफिनेशन के बाद उसका क्या ना लिखना है फॉर्मूला, फॉर्मूला के बाद उसका यूनिट। अब कौन कौन ऐसा फैक्टर है जो मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को क्या ना अफेक्ट करता है, तो इसको आपको क्या ना अच्छी तरह से लिखना है। अगर हम बात करते हैं इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे सेल कॉन्स्टेंट, कि सेल कॉन्स्टेंट आखिर होता है क्या, तो सेल कॉन्स्टेंट में भी क्या ना आप वही कीजिएगा, पहले सेल कॉन्स्टेंट का डेफिनेशन कि सेल कॉन्स्टेंट है क्या, उसका फॉर्मूला, ठीक ना। उसके बाद क्या ना उसका क्या ना फॉर्मूला लिखने के बाद आप लिख लीजिएगा उसका यूनिट। तो पहले इसमें क्या ना डेफिनेशन पॉइंट में एक पहले डेफिनेशन इसका लिखना है, फिर इसका क्या ना फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला लिखने के जस्ट बाद आप इसका तीसरा स्टेप क्या ना यूनिट लिखिएगा। तो इस तरह से क्या ना आप बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस क्या है ना, पहले इसका कैलकुलेशन लिखिएगा, फिर क्या ना लिखिएगा डेफिनेशन के बाद इसका आप यूनिट लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक यहाँ पे बात करते हैं डिफाइन फैराडे फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ, तो पहले इसमें आपको लॉ को लिखना है, किसको लिखना है, वो लॉ को, पहले आप लॉ लिखिए फिर उसका एक्सप्रेशन लिख दीजिए, एक्सप्रेशन ऐसे लिखिए। उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे है डिफाइन कोलराज लॉ, कि कोलराज लॉ को डिफाइन करें, तो इसका भी कहना पहले आपको लॉ लिखना है और लॉ के बाद इसका लिखना है क्या एक्सप्रेशन लिखना है, एक्सप्रेशन कि क्या इसका एक्सप्रेशन है। उसका इसका एक एग्जांपल आप उसमें ऐड कर दीजिए, इक्वल आवर्स जैसे NaCl था तो Na प्लस Cl माइनस के कंडक्टेंस लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस के सम के बराबर होगा, उसका एग्जांपल लीजिएगा। उसके अलावा व्हाट इज केमिकल इक्विवेलेंट, यहाँ पे आपको क्या ना इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का है या केमिकल इक्विवेलेंस करें, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, यहाँ पे हम कर देते इसको सही, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, ये यहां पे पूछ सकता है। तो इस तरह से कहना ये सारे क्वेश्चन क्या ना आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी क्या है इंपॉर्टेंट है, और आपका जो लिखने का स्टाइल होना चाहिए जैसे आप बताए उस तरह से आप लिखिए, आपको क्या ना बेहतरीन स्कोर मिलेगा। ये नहीं कि हम डेफिनेशन लिखे फॉर्मूला छोड़ दिए, तो इस तरह से कहना आप हमसे जुड़े रहिए। कल से आपका स्टार्ट होने जा रहा है केमिकल काइनेटिक्स, और उस केमिकल काइनेटिक्स को हम 3 दिन में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि कल मंडे है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, मतलब कि बुधवार को आपका क्या ना काइनेटिक्स पूरा कंप्लीट रहेगा। काइनेटिक्स को कंप्लीट करने के बाद प्यारे बच्चों हम मूव करेंगे धीरे से सरफेस केमिस्ट्री की तरफ, सरफेस केमिस्ट्री को भी हम 3 दिन में कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपका क्या ना फिजिकल का कहानी हो जाएगा खत्म। तो मतलब कि कुल मिलाकर हम 23 तारीख तक क्या है ना हम लोग फिजिकल कंप्लीट करेंगे, 23 से 30 के बीच में हम इनऑर्गेनिक को कंप्लीट करेंगे, जिसमें 2 से 3 दिन डी ब्लॉक में देंगे, 2 दिन डी ब्लॉक में, 3 दिन कोऑर्डिनेशन है 5 दिन, उसके बाद 3 दिन क्या ना 2-3 दिन हम पी ब्लॉक में देंगे। तो इस तरह से क्या ना आपका इसी मंथ में फिजिकल और इनऑर्गेनिक खत्म होगा। इनऑर्गेनिक के सब्जेक्टिव के लिए आप हमसे जुड़िए, बस 2 वीडियो में आपका पूरा सब्जेक्टिव हम क्लियर करवा देंगे, याद करने का कोई जरूरत नहीं, फुली ट्रिक के साथ। उसके बाद 1 जनवरी से 20 जनवरी तक हम लोग क्या पढ़ेंगे ऑर्गेनिक पढ़ने के बाद फिर से हम मूव करेंगे फाइनेंस की तरफ, ठीक है। तो आप क्या है इजी केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, आपका तैयारी एकदम अच्छा होने वाला है। तो इस तरह से क्या ना चैनल को क्या ना आप लोग क्या ना सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपने आपके आस पास में कोई ऐसे बच्चे हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं इस बार 12th बोर्ड एग्जाम के लिए, तो उसके साथ आप शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल आप लोगों के साथ हम केमिकल काइनेटिक्स लेक्चर 1 के साथ, ठीक है। तो ओके बाय, 9 मिनट।